तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पार्ट सेकेंड है ये हमारा, जो हमारा वीडियो लेक्चर है। तो हमने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हम क्या देखने वाले थे, जो कि हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हम देख रहे थे। पेनिनसुलर जो इंडिया है उसके जो रिवर्स के बारे में देखने लगे थे, कितनी कितनी अलग तरीके की रिवर्स हैं और क्या क्या वो सिस्टम फॉलो करती हैं। और पहले हमने समझा था पेनिनसुलर रिवर्स होती क्या थी। अब उनके तीन ब्रॉड डिवीजन देखे थे हमने, हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने स्टार्ट किया था और एक हमने एक रिवर देखी थी महानदी रिवर के बारे में देखा था। तो हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर को अभी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आगे आप भी देखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। जो गोदावरी रिवर है वो क्या है, लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर, सबसे बड़ी अगर हम बोलें, जिसका जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है और सबसे ज़्यादा लेंथ में बोलें तो सबसे ज़्यादा बड़ी जो रिवर है वो कौन सी रिवर है, गोदावरी रिवर सबसे बड़ी रिवर है पेनिनसुलर रिवर के अंदर। देखें पूरे इंडिया की नहीं, सिर्फ पेनिनसुलर रिवर में इंडिया की सबसे बड़ी रिवर गोदावरी रिवर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। तो गोदावरी जो रिवर है उसका एक और नाम है, उसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन टू द बे ऑफ बंगाल। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और जो डिस्चार्ज अपना जो वाटर है वो कहाँ पे डिस्चार्ज करती है, वाटर इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल में ही डिस्चार्ज करती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी बताई थी जो कि अरेबियन सी में भी ड्रेन करती हैं, ठीक है। गोदावरी ट्रिब्यूटरीज रन थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। जो गोदावरी रिवर की क्या है ट्रिब्यूटरीज, वो कहाँ कहाँ पे हैं, ऐसे जो गोदावरी रिवर है वो तो महाराष्ट्र से निकल रही है, लेकिन जो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं, एक तो आ जाती महाराष्ट्र से, दूसरी आ जाती मध्य प्रदेश से, तीसरी आ जाती छत्तीसगढ़ से, चौथी आ जाती ओडिशा से और पांचवी आ जाती है आंध्र प्रदेश से। तो टोटल कितनी स्टेट्स हुई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, फाइव स्टेट्स हो गई, ठीक है, फाइव स्टेट्स। टोटल फाइव स्टेट्स से जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि गोदावरी रिवर की वो आती हैं, ठीक है। इट इज़ नेविगेबल ओनली इन द डेल्टिक स्ट्रेच, तो उसका डेल्टा भी बनाती है रिवर, ठीक है, नेविगेबल भी है उस डेल्टिक स्ट्रेच के अंदर, ठीक है। द रिवर आफ्टर राजा मुंदरी स्प्लिट्स इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग ए लार्ज डेल्टा। तो मैंने आपको बताया था कि ये गोदावरी रिवर है ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या हो गया, एक ट्राइंगुलर लैंडमास हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगुलर लैंडमास हो गया, ठीक है, ट्रायंगुलर, जिससे वो क्या करती है, वाटर क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है, जिसके तीनों साइड्स क्या होंगे, वाटर होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डेल्टा। तो ठीक है, तो उसकी जब कब कब कहाँ पे डेल्टा बनाती है, राजा मुंदरी में जब जाती है तो ये क्या कहते हैं, स्प्लिट्स कर जाती है सेवरल ब्रांचेस, तो क्या बनाती है, बहुत बड़ा एक लार्ज डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो इसका मैप देखेंगे अगर हम, ठीक है, ये रहा हमारा गोदावरी बेसिन का मैप। तो सबसे पहले ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकल के फिर कहाँ जाती है, इसके हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज थी जो कि इसकी अलग अलग फाइव स्टेट्स में इसकी ट्रिब्यूटरीज स्प्रेड हुई हैं, जैसे कि हमने बोला था छत्तीसगढ़, और क्या क्या देखा था हमने, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इनके बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो देख, इट इज़ 1465 किलोमीटर लॉन्ग। तो इसकी लेंथ कितनी है, जो भी गोदावरी रिवर है इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। तो इतनी लेंथ है इस रिवर की, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है, विद एन कैचमेंट एरिया स्प्रेडिंग ओवर 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 49% ऑफ दिस लाइज इन महाराष्ट्र एंड 20% लाइज इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़,
एंड द रेस्ट इन आंध्र प्रदेश। तो क्या बात हो रही है, इसकी लेंथ की बात हो रही है। तो लेंथ कितनी है गोदावरी रिवर की, 1465 किलोमीटर। तो लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, 1465 किलोमीटर्स में इसकी लेंथ। और कैचमेंट एरिया क्या है, कैचमेंट एरिया मतलब कहाँ कहाँ पे ये स्प्रेड है, कितना कितना एरिया ये कवर करती है, कितना एरिया कवर करती है कैचमेंट एरिया, तो वह 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना ज़्यादा वो एरिया कवर करके रखती है ये गोदावरी रिवर। तो जो उसका 49% है इसका जो गोदावरी रिवर का, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। 49% जो गोदावरी रिवर है वो कहाँ पे है कैचमेंट एरिया उसका, महाराष्ट्र में है। और अगर देखा जाए तो 20% कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, और जो बाकी कुछ है वो आंध्र प्रदेश में बच गया। ठीक है, 20% इसका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और बाकी जो बचा कुचा है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, द पेन गंगा, द इंद्रावती, द प्राणहिता एंड द मंजिरा आर इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज। प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी मतलब जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, बिगर बिगर ट्रिब्यूटरीज, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। पहली तो आ गई पेन गंगा, इंद्रावती, प्रतिहारा, मांजरा एंड उसकी ये क्या है प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं जिससे मेनली ये रिवर बनी है। ठीक है, द गोदावरी इज सब्जेक्टेड टू हैवी फ्लड्स इन इट्स लोअर रीचेस टू द साउथ ऑफ पोलावरम वेयर इट फॉर्म्स ए पिक्चरस्क्यू जॉर्ज। गॉर्ज क्या हो गया, एक टाइप का खड्डा हो गया। ठीक है, रिवर तो जा रही है इधर से, तो वहाँ पे क्या बना रही है, गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज खड्डा टाइप बना देती है। ठीक है, तो गोदावरी रिवर से बहुत ज़्यादा हैवी फ्लड्स भी आते हैं, क्योंकि ये रिवर क्या होती है, बहुत ज़्यादा वाटर कैरी करती है। तो अगर जब रेनी सीजन में क्या हो जाए, इसका वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या कर देगी, हैवी फ्लड्स लाएगी। कहाँ पे लाएगी, पुलवरम के साउथ में है, जो पुलवरम लोअर रिचेस के पुलवरम में ये क्या लाएगी, फ्लड्स लाएगी। ठीक है, हमने इसका मैप देखा था अभी, ये रहा था मैप इसका। तो ये हमने देखी थी पेन गंगा क्या है इसकी, पेन गंगा यहाँ पे, पेन गंगा है, मंजरा है, इंद्रावती है। तो ये इसकी क्या थी, ये मेन ट्रिब्यूटरीज थी, हमने देखी थी। ठीक है, इंद्रावती, पेन गंगा और क्या थी, मंजरा, ये क्या रही थी इनकी, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज रही थी जो कि हमने देखी थी, पेन गंगा, इंद्रावती, प्रतिहारा। प्रतिहारा भी है इसकी, वो भी क्या है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी, जैसे कि अगर हम देख सकें तो ये कर्नाटका आ गया, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में स्टेट में फैली है, मध्य प्रदेश में फैली है। तो ये अलग अलग, जैसे कि हम देख लें तो इधर से स्टार्ट होती है। ठीक है, इधर से इसका ओरिजिनेशन होता है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से फिर कहाँ जाती है, ये कर्नाटका की ओर जाती है, कर्नाटका से फिर कहाँ चली जाती है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से फिर कहाँ चली जाती है, ये आंध्र प्रदेश वगैरह, इन एरियाज को कवर करती है। ठीक है, ये आपको सिर्फ आइडिया लेना होता है मैप का, कहाँ कहाँ पर इसका स्टेट्स में ये रिवर फैली हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में हमने क्या देखा, गोदावरी रिवर के बारे में देखा। तो गोदावरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है वो क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया की, इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे राइज करती है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में, और अपना वाटर कहाँ पे डिस्चार्ज करती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो इसकी हमने मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखा था, गोदावरी रिवर के बारे में कौन क्या 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 इसकी थी मेन ट्रिब्यूटरीज थी, तो पेन गंगा, इंद्रावती, प्रतिहारा और मांजरा की क्या थी मेन ट्रिब्यूटरीज, और ये क्या लाती है, हैवी फ्लड्स भी लाती है कभी कभी, लोअर रिचेस ऑफ पोलावरम में ये फ्लड्स भी लाती है। और इसकी जो लेंथ कितनी थी, 1465 किलोमीटर ये लेंथ थी इस जो रिवर की थी। ठीक है।